कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अब एमपी में एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी ने अपने दौरे की शुरुआत उज्जैन से की है, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान महाकाल के दर्शन किए और जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान राज्य के सीएम कमलनाथ भी मौजूद थे। भगवान महाकाल की पूजा अर्चना के बाद प्रियंका गांधी ने शहर में एक रोड शो भी किया। प्रियंका गांधी के राज्य में चुनावी दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रियंका गांधी को राज्य के सीएम कमलनाथ और अपने भाई राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि किसानों की कर्ज माफी का क्या हुआ। आज प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश आई है। प्रियंका जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप महाकाल महाराज के दरबार में भी जा रही हैं, लेकिन महाकाल महाराज के दरबार में जब मत्था टेके तो जरूर पूछिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से, कमलनाथ जी से, आपके भाई राहुल गांधी जी से। उन्होंने वचन दिया था, वादा किया था किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे 10 दिन में, और 10 दिन में माफ़ नहीं किया तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री आपके भाई साहब को भी भ्रमित कर रहे हैं या आपके भाई साहब भी झूठ बोल रहे हैं? लाखों लाख किसान आज मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं जो ठगे गए हैं। आपने वचन पत्र में लिखा सब किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, आदेश निकाला कि केवल फसली अल्पकालीन ऋण माफ़ करेंगे, और उसके लिए भी जो 48,000 करोड़ रुपया चाहिए उसका प्रावधान नहीं किया, केवल 1,300 करोड़ रुपया खाते में डाले। किसान ठगे गए हैं, परेशान हैं, ये झूठ क्यों बोलते हैं? और इसलिए आज ये पूछने का समय है और किसानों को सच बताने का समय है कि उनका कर्जा आप कब माफ़ करोगे, पूरे पैसे की व्यवस्था कब करेंगे। और ये जो असत्य बोल रहे हैं, इससे किसान और नाराज हो रहे हैं, ये झूठ बोलना कब बंद करेंगे। प्रियंका गांधी आज राज्य का तूफानी दौरा करेंगी। इस दौरान वो कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी और रोड शो भी करेंगी। राज्य में आखिरी चरण में 8 सीटों पर मतदान होना बाकी है। इसी को देखते हुए कांग्रेस अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट।